गाइस अभी ना मैं आ चुका हूँ अपने एसएमपी के अंदर और भाई बहुत सारे बंदे खेल रहे, मतलब ठीक ठाक खेल रहे क्योंकि अभी रात भी हो चुकी है। तो आप लोग भी गाइस ज्वाइन कर सकते हो मेरा एसएमपी, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वीडियो स्टार्ट करते तो गाइस आज ना मेरे को भाई एकदम मस्त वाला स्मेल्टर बनाना है और मेरे पास खाना नहीं है कुछ भी, और ये है अपना प्यारा सा कैसल जो अंदर से अभी आधा अधूरा है, ये ग्लिच नहीं हो रहा। ये टॉर्चेस मैंने ऐसे लगाई है भाई, एकदम कंटिन्यू टॉर्चेस लगाई है। भाई मेरे को थोड़ा सा भी खाना मिल जाए ना मैं अपने फार्म तक पहुंच जाऊंगा, जो आधा पेंडिंग में, सारी चीजें आधी पेंडिंग में, क्या करूं मैं। तो भाई मुर्गियों की आवाज आ रही है, जमीन के अंदर मुर्गियां है भाई बहुत सारी। तो गाइस अभी ना मेरे पास खाने की कमी है, मेरे को अगर थोड़ा सा भी खाना मिल जाए ना तो भाई मैं वहां से लेके आ जाऊंगा अभी। ओ भाई मुर्गी, और थोड़ा सा खाना लेके चलता होगा इस, मैं वहां पे किसी को पूछ लेता होगा इसके कि किसी के पास फूड है कि नहीं। पूछा है गाइस, ये देखो भाई दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, तब से लड़े जा रहे हैं एकदम कंटिन्यूस। मैं कर क्या सकता हूँ और भाई यहाँ पे, ओए रुको, ओए ओए रुक जाओ रुक जाओ, लड़ना नहीं, खाना 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 है क्या फ्रेंड, खाना अभिषेक फ्रेंड खाना है क्या। हाँ फेंको भाई, किधर फेंक रहे हो भाई, नहीं आया। हाँ पीवीपी कॉम्बैक्ट में, ओके लेट्स गो गाइस, अपने को खाना मिल चुका है और मैं चलता हूँ गाइस अपने फार्म पे, इसको थैंक्स लिख देता हूँ। अभी दो दिए फिलहाल चलेगा अपने को, क्योंकि भाई वहां तक पहुंचते ही अपने को बहुत देर लग सकती है, पर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा भाई वहां पे, जाने की पहुंचने की दिक्कत नहीं है। और भाई मुर्गी भी नहीं आई भाई, स्कैम हो गया अपने साथ। 20 ब्रेड बन चुकी है हमारी, और भी बन सकती है, रुको। ओके ओके 42 ब्रेड्स बन गई गाइस अपने को, तो भाई बहुत होगी। तो अपने को ना गाइस आयरन चाहिए था, आयरन मैंने मेरे दोस्त से यहाँ पे लेके रखा हुआ है, कौन सी चश्मे ये यहाँ पे कितने, भाई थोड़ा सा आयरन लिया है क्या उसने, नहीं 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 चलेगा गाइस अपने को। तो अभी ना गाइस मैं बाहर चलता हूँ, मेरे को अभी ना स्मेल्टिंग रूम बनाना है, तो स्मेल्टर रूम जो भी कहते हैं उसको, वो अपने को बनाना। और भाई यहाँ से यहाँ पे टाइगर नाम दिया है भाई कुत्ते को, तो चलते गाइस हम लोग बाहर। ये इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, इसको सीधा कर देता हूँ, ये पूरे डायमंड अपनी मेहनत के, दिस इज कॉल्ड द रियल ग्राइंड। चलो गाइस हम लोग चलते हैं अपना स्मेल्टिंग रूम बनाने। और भाई सारी एसएमपी शांत क्यों पड़ी है, सब लोग एकदम एडवेंचर करने गए शायद। तो गाइस इसके नीचे है अपना अंडरग्राउंड बेस, तो भाई ये बेस छोटा मोटा नहीं है, एकदम भाई पूरे फ्लोर का है। और दो चीजें मैंने बना दी है, मतलब ऐसी एक सीक्रेट चीज बनाई है ना, तो गाइस वो वाली वीडियो आएगी उसके ऊपर भी, और रिवील करूंगा तो भाई आप लोग भाई शॉक हो जाओगे कि भाई इतनी मस्त चीज कैसे बना ली। तो गाइस अपने को ना अभी क्या करना है, इसको अंदर से 3 ब्लॉक खाली करते, क्योंकि भाई स्मेल्टिंग रूम के लिए अपने को यहाँ पे कॉबलस्टोन रहेगा, फिर यहाँ पे कॉबलस्टोन आएगा, तो यहाँ पे एक फर्नेस आएगा और यहाँ पे एक हॉपर आएगा, और तीन तीन सही रहेंगे मेरे हिसाब से। 3 ब्लॉक का हम लोग खोद के कर देते, या फिर हम लोग 2 ब्लॉक का भी कर सकते, क्योंकि भाई ज़्यादा मेहनत लग सकती है अपने को 3 ब्लॉक में। एक बार गाइस एक साइड का करके मैं ट्रायल करता हूँ एक बार। तो गाइस यहाँ पे ना भाई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और यहाँ पे गाइस एकदम मतलब मजेदार बन सकता है हमारा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग की हुई है ना एकदम मस्त बन जाएगा। और भाई नीचे से ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है, उसकी टेंशन मत लो, वो पूरी चीज़ें मैं देख लूंगा बाद में, मतलब सीरीज बनाने के बाद भाई धुलाई होने वाली है अपने ज़ॉम्बीज की जो भी सर्वर में है। तो यहाँ पे पूरा कर देता हूँ, ये मैंने लिफ्ट बनाई हुई है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ गाइस ये लिफ्ट की फेसिंग यहाँ से एकदम पूरा ग्लास लगा दूँ, ताकि यहाँ से हम लोग निकल पाए। पर यहाँ पे भी सही, अब मैं वो ही बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो गाइस मेरा ना यहाँ पे मैंने पूरा तोड़ दिया, और भाई अच्छे खासे कॉबलस्टोन वो सब मिल गए हैं मेरे को। और भाई ये ज़ॉम्बी यहाँ पे स्पॉन क्यों हो रहा है, भाई मेरे को हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग आके फोड़ देंगे मेरे को। और मार दिया इसको भी भाई, अपनी सॉड एकदम ओपी है भाई, एकदम ओपी सॉड है अपनी। और यहाँ पे थोड़े से फिल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कॉबलस्टोन से फिल कर देता हूँ मैं, ताकि अपना ये वेस्टनर और स्पाइडर आई तो मेरे को चाहिए नहीं, तो इसको हटा के इससे भर देते हैं हम लोग।
यहाँ पे भी भर देते हो और यहाँ पे डर्ट साफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि भाई अभी ना डर्ट यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी थोड़ी सी। जहाँ तक कि मेरे को पता है पूरा कॉबलस्टोन का सही लगेगा मेरे को। और यहाँ पे भी इतना भर देता हूँ, ये तो अपने आप कवर हो जाएगा ऊपर का। और यहाँ पे भी भर दिया एंड इसको तोड़ते है। मेरे को ना हॉपर बनाने जाना है, तो भाई मेरे दोस्त के वहाँ पे फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं है, हम लोगों ने क्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाया। तो वहां से जाके मैं बना के ले लूंगा, या फिर मैं उससे थोड़े से वुड प्लैंक्स लेके वहीं पे बना लूंगा मैं। तो चलते गाइस ऊपर एकदम। गाइस यहाँ पे ना अभी मैं एकदम सीधा ही सीधा जा रहा हूँ। पता नहीं भाई मुर्गी अंदर कैसे, अंदर मुर्गी है क्या गाइस? अंदर मुर्गी है मेरे हिसाब से। भाई बहुत आवाज कर रही है, खाना मिल गया, लेट्स गो गाइस, खाना मिल गया अपने को। और बाहर निकलते हम लोग, यहाँ पे दो मुर्गियां, इनको छोड़ दो भाई, नहीं मारना इनको। तो अपने को ना अपने दोस्त के ट्रेडिंग हॉल पे जाना पड़ेगा, मतलब उसका हॉल और शॉप और घर एकदम पूरा है, तीनों ही एक है। तो जल्दी से उसके वहां पे चलते है। और ये कौन भाग रहा है भाई? ओ भाई किसी को उड़ा दिया इन्होंने तो। किसको उड़ाया भाई, किसको उड़ाया? किसका घर है ये, किसका घर है? ओ भाई अंदर कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है। ओके सो अभी ना गाइस हम लोग, ये मेरे से पंगे ले रहा था सुबह, मेरे से पंगे ले रहा था, छोड़ो भाई नहीं मार रहा मैं। तो ये आ गए हम अपनी ट्रेडिंग हॉल पे, सेकंड ट्रेडिंग हॉल है अपना, क्योंकि फर्स्ट मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है, वो सीक्रेट है, वो भी अभी रिवील करूंगा अगली वीडियो में। तो जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो कि आप लोगों को पता चल जाए। भाई इग्नोर मार दिया भाई, हेलो मेरे को इग्नोर मार दिया। मैं इसका क्राफ्टिंग टेबल तो पक्का लेके जाऊंगा, मैं क्राफ्टिंग टेबल लेके जा रहा हूँ। वुड प्लैंक्स भी नहीं है इसके पास, अच्छा खासे है ही नहीं। ओके वुड प्लैंक्स है इससे लेके जा रहा हूँ, और यहीं पे बना लेता हूँ, या फिर मैं भाई चेस्ट भी नहीं लेके आया। तो फर्नेंस के लिए भी भाई मेरे को यहाँ से कॉबलस्टोन लेके जाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। अब भी नहीं लेता क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल हो जाएगी, फिर वहाँ पे मैंने चेस्ट भी नहीं बनाई रखने के लिए। इसको भाई यहाँ से तोड़ो और चलो जल्दी से चलो भाई, ये पीछे पीछे आएगा क्या मेरे? आ रहा भाई, फिर से पड़ेगा मेरे पीछे। और अगर मैं मेरे को कुछ हरकत नहीं करनी, ठीक है, मेरे को कुछ हरकत नहीं करनी, क्योंकि मैं सोच रहा था कॉबलस्टोन लगा के एकदम सस्ता ड्रीम बन के भग जाऊं, पर ये नहीं पॉसिबल होगा भाई। मत आ भाई, मेरा सीक्रेट बेस से रिवील नहीं करना मेरे को भाई। भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसके अंदर कूदो भाई कूदो। हाँ छोड़ दो शिफ्ट भाई। ओ भाई जलता भाई यहाँ पे, छोड़ दो भाई। हाँ बहुत सही, चलो गाइज हम लोग नीचे चलते हैं। तो गाइज मैं नीचे आ चुका हूँ और सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। और भाई ये बंदा, भाई मेरे को ना ग्लोस्टोन और लेके आने पड़ेंगे, मेरे पास बहुत कम पड़े ग्लोस्टोन। तो गाइज मैं ना यहाँ पे लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल अभी के लिए, और यहाँ पे अपने को बनाना पड़ेगा हॉपर। तो गाइज यहाँ पे ना मेरे पास 32 फर्नेसेस आ चुकी है, मेरे हिसाब से बहुत ही होगी। तो मैं जाके गाइज हॉपर लेके आ जाता, मतलब चेस्ट चाहिए थी मेरे को, वो लेके आ जाता गाइज मैं। तो यहाँ पे गाइज बारिश भी शुरू हो चुकी है, और भाई मेरे को यहाँ पे चेस्ट रखी थी, चेस्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये रही गाइज चेस्ट। और यहाँ से आयरन भी उठा लेता हूँ जितना भी मेरे पास पड़ा है, ताकि भाई मेरे को बार बार ऊपर ना आना पड़े और इजीली अंदर काम कर लूं मैं अपना। और भाई रेडस्टोन भी चाहिए होगा, मैं अपने दोस्त के घर से लाना ही भूल गया भाई, उसके पास भाई एकदम कचरे के जैसे पड़ा है अपने वो वाले सेकंड ट्रेडिंग हॉल पे। तो गाइस मैं ना यहाँ पे पूरे हॉपर बना लेता हूँ, 64 हॉपर बन चुके हैं भाई, मेरी कैलकुलेशन एकदम सही थी, मेरे को 320 आयरन चाहिए होंगे, तो मैंने 320 मंगा लिए थे अपने बंदों से। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट लगानी पड़ेगी यार। गाइस अपने पास ना चेस्ट की भी कमी हो चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये चेस्ट को ना मैं थोड़ी राइट पे लगाता हूँ कि मैं इसको लार्ज चेस्ट में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये लगा दिया एंड इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते जाना है अपने को लास्ट तक। एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको अभी तोड़ देता हूँ, बाद में आऊंगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा अपने को।
तो गाइस इसको ना एकदम पूरा जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा अपने को। और यार ये एक्स्ट्रा क्यू लग जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या अपने आप ही क्लिक हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना गाइस मैं आ गया इसको लेते हुए, और हाँ सारे एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो गाइस यहाँ पे ना ऐसे अपने को बनाना पड़ेगा, और मैंने भाई और एक बना दिया यहाँ पे। और इसको गाइस इसको ना कॉबलस्टोन से फिल कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास ज्यादा कॉबलस्टोन नहीं है। और ये बस यहाँ पे एक बार खींच दूं ना भाई, मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी ना मैं आ चुका हूँ बाहर। भाई मेरे पास ना ये देखो रेल, मेरे पास एक स्टैक नॉर्मल रेल है, पर मेरे को ना गाइस पावर्ड रेल चाहिए। तो मेरे दोस्त के पास भाई रेल तो बहुत सारी है, तो वहां से मैं उठा लूंगा भाई, एक दो स्टैक तो उठा ही लूंगा, क्योंकि भाई उसने भी मेरे को पता है किधर से ली थी। तो उसके लिए गाइस मैं उससे दो स्टैक रेल उठा लूंगा वहां से, और मस्त एकदम अपना स्मेल्टिंग रूम बन सकता है। और ये क्या बना रहा भाई, हेलो क्या चल रहा है फ्रेंड। अच्छा ये चलो गाइस हम लोग चलते हैं अंदर एकदम इसके यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल में, अपने ट्रेडिंग हॉल में। तो ये खोला, ये बंद किया, और गाइस ये फेक घड़ी भाई, ये फेक घड़ी है, ये असली टाइम दिखाती नहीं है। और ये देखो अभी भी ट्रेडिंग करने लगा हुआ है। रेल ऊपर है मेरे हिसाब से, रेल ऊपर है गाइस। तो रेल किधर है, ये क्या रख रहा है भाई, एम्ब्रॉल रख रहा है। मेरे को रेल चाहिए, रेल चाहिए, रेल 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 रेल। ओके तो गाइस रेल्स ये रही, तो इतनी एक पूरी स्ट्रिप उठा लेता हूँ रेल्स की। अभी तो भाई अपने को अभी कुछ नहीं चाहिए होगा, हमारे को शायद आयरन फार्म जाना पड़े, पर रहने दो। और गाइस अपने को ना आयरन की कमी पड़ रही है, तो हम लोग शायद आयरन फार्म भी बना ले, तो एकदम एपिक वाला बनाएंगे हम लोग आयरन फार्म अगर बनाएंगे तो। ठीक है पप्पा मैं लेके जा रहा हूँ भाई रेल, और मेरे को भाई स्मेल्टिंग रूम बनाना है अपना मस्त सा। तो गाइस अभी ना मेरे को याद आया है कि मेरे को ना कार्ट भी बनानी पड़ेगी, माइन कार्ट, दो माइन कार्ट चाहिए होगी, उसके लिए आयरन चाहिए। तो गाइस मेरे को ना माइन कार्ट बनानी पड़ेगी, तो भाई मेरे को तो आयरन लेके जाना पड़ेगा। अपना ही यहाँ पे नजदीक एक आयरन फार्म है, अपना ही है, अपने बंदे का ही है। तो गाइस जल्दी से चलते यहाँ पे, और भाई यहाँ पे कौन लगा हुआ है, ये म्यूजिक नाइट लगा हुआ है। चलो भाई चलो, सब लोग भाई अपना ग्राइंड कर रहे हैं एसएमपी में, आप लोग भी आके गाइस ग्राइंड शुरू करो। तो जल्दी से भाई मैं पहुंचता हूँ जल्दी से, और भाई जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। और भाई आगे जाते ही अपने को आयरन फार्म मिलेगा, अच्छा खासा आयरन तो भाई हो गई होगा अगर मैं एक स्टैक निकाल लूंगा। भाई अंदर से मार रहा भाई बेशरम। ओके ये कुनाल आ चुका है अपने पीछे। तो गाइस अभी ना हम लोग अपने आयरन फार्म पे चलते हैं, और भाई क्रीपर साइड साइड, क्रीपर साइड, लेट्स गो। तो जल्दी से गाइस हम लोग आगे ही आयरन फार्म है, अभी तक दिखा क्यों नहीं भाई आयरन फार्म। ओके गाइस वो रहा अपना आयरन फार्म, भाई हॉपर ही हॉपर है, इतने हॉपर है ना क्या ही बताओ भाई, मैं इतने सारे हॉपर कौन रखता भाई। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ आयरन फार्म पे, और मैंने एक स्टैक आयरन उठा लिया, और भाई हम लोग चलते हैं। गाइस क्या लिखा है, वाह अपना नाम लिख दिया, और ये भी आ चुका है। गाइस हम लोग सीधा गाइस अपने कैसल के नीचे वाले अंडरग्राउंड बेस में मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी ना मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो पर भी हम लोग माइनक्राफ्ट में ग्राइंड कर रहे हैं, और ये अपने को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस अपने को ना यहाँ पे चढ़ना है, तो ये पूरा तोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से मेरे को, और यहाँ से ऐसे। ओ भाई मैं चढ़ गया, इजी चढ़ा भाई, एकदम मस्त मैं चढ़ गया यहाँ पे। और गाइस ये पूरा अपने को तोड़ना है, और यहाँ पे अपने को रेल्स बिछानी है। और गाइस यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ मैं, पहले ये साइड का कर लेते हैं, ये कॉर्नर तक गाइस पहुँचते ही ना ये साइड का हम लोग कर लेंगे। और भाई मेरी एफिशिएंसी 5 वाली शॉवल भाई, एकदम मजा ही आ गया। और ये भी अपने को तोड़ना था, तो तोड़ ही देते, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा ये रखना नहीं है अपने को, ज्यादा भाई दिमाग खराब होता है ये सब रखने से। ओके तो गाइस यहाँ पे ना मैंने सही कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लगी सही करने में, और थोड़ा सा दिमाग भी एक्स्ट्रा लगा, तो इसको यहाँ पे मैंने सही कर दिया। और इसको ऐसे खींचना है, और मेरे को गाइस रेडस्टोन की भी जरूरत पड़ेगी अपने सेकेंड वाले ट्रेडिंग फार्म पे, भाई बहुत पड़ा है, तो वहां से लेके आ जाऊंगा मैं, रेडस्टोन की कमी नहीं है अपने पास वहां पे। और ये फिर से गलत कर दिया मैंने।
तो गाइज मैंने ना यहाँ पे छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था, वो ये किया था कि भाई मैंने ना यहाँ पे, एक सेकंड दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लगा दी थी भाई हॉपर हटा के, मैंने लगा दी थी ये नॉर्मल अपनी ये वाली चेस्ट वाला ये माइनकार्ट, ठीक है, जिससे भाई ये देखो ये चेस्ट वाला माइनकार्ट है और इसमें भाई ये लगाने से एकदम सही चल रहा था। मैंने हटाई इसलिए क्योंकि गाइज वो ना भाई एक बच चुका है गाइस, वो हटाई इसलिए क्योंकि भाई वो ना एकदम हॉपर वाली थोड़ी सी क्वांटिटी उठा रही थी, 5-10 फर्नेंस में ऐसे वैसे घुमा रही थी। तो भाई मैंने कहा नहीं भाई, जब चलना है तो सारी चीजें चलनी चाहिए। तो गाइस मैंने ना लगा दी यहाँ पे चेस्ट वाली माइनकार्ट, तो भाई एकदम मस्त चल रही थी। अगर आप लोगों को ट्राई करना है ना, कभी भाई भूल के भी बड़ा रूम बनाना हो स्मेल्टिंग के लिए, तो भाई कभी भी भाई हॉपर वाली माइनकार्ट सेलेक्ट मत करना, क्योंकि भाई वो थोड़ी सी क्वांटिटी उठाती है और वो ही 5-10 पर्टिकुलर ब्लॉक्स में घुमाती रहती है। अब भी भाई इसमें थोड़ा सा खत्म हुआ है, मतलब मैंने रोका है, नहीं तो भाई ऐसे देखो गाइज ऐसे ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे जलने स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है गाइज। एकदम मस्त वाला बना है गाइज अपना स्मेल्टिंग रूम भाई, एकदम मस्त। और गाइज चलते हैं गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन SMP ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ पे मैं खेलता रहता हूँ और भाई एकदम SMP वाले गेम प्ले होता है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना, मैं जब भी वीडियो डालू आप लोगों को पता चल जाए, और भाई जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालू तो आप लोगों को पता चल जाए कि कब नई वीडियो आने वाली है और कब मैं सब गेम्स करने वाला हूँ, और वो भी वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को चांस मिल सकता है मेरे साथ वीडियो के अंदर आने का। तो गाइस जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।